अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने ग्राफ लगाना भी सीखना है और उससे दूसरी शीट के साथ किस तरह अटैच करना है ये भी सीखना है। और अगर आप पहली वाली शीट को, डेटाबेस वाली शीट को, बेस शीट को आप अमेंड करोगे तो दूसरी शीट ऑटोमेटिकली अमेंड होगी और वो भी विदाउट एनी फार्मूलाज और एनी फंक्शन। तो ये बहुत ही मज़े की ट्रिक है। एक सबसे पहले तो हम इसके ऊपर लगाते हैं ग्राफ, इंसर्ट में गए और कॉलम चार्ट जहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने, ये सिंपल हमने ग्राफ लगा लिया। यहाँ से इसकी मैं विड्थ प्रॉपर कर लेता हूँ, टाइटल भी रिमूव कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ और अपने नाम्स को भी बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी के साथ, और अपनी जो ग्रिड लाइन है इसे भी रिमूव कर देता हूँ। ये है हमारे पास ग्राफ आ चुका है। इसकी कलर स्कीम कर लें आप, जो इनर साइड पे है उसको आप कलर जोन सा भी देना चाहें वो दे सकते हैं, और जो आउटसाइड पे है बॉर्डर आप उसको भी कलर जोन सा भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट में चले जाएं तो ये शेप बनी हुई नज़र आ रही है आपको। यहाँ से आप फर्स्ट वाली सेलेक्ट कर लें और नीचे जो आउटसाइड पे शेप है उसके ऊपर क्लिक करके इसे भी 3D कर लें। तो आगे आता है मेन काम, जिसकी वजह से आपकी शीट, वो भी इधर आप कोई भी अमेंडमेंट करोगे तो दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली अमेंड होगी। वो कैसे करना है? सिंपली आपने करना ये है कि यहाँ पे जाना है आपने मोर कमांड पे, मोर कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे आपने आल कमांड करनी है। आल कमांड करने के बाद यहाँ से कैमरे को तलाश कर लेना आपने। ये देखे कैमरे का ऑप्शन आ गया और यहाँ से इसे आपने ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे पास पहले ही ऐड हो चुका है। जब आपका ये ऐड हो जाएगा तो इधर शो होने लग जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है जोन सा एरिया आपने पिक्चर लेनी है जिस एरिया की, यहाँ तक मैंने इसको कैप्चर करना है। यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और दूसरी शीट पर जाके सिंपल से क्लिक कर देना ऐसे। तो ये देखें जी, दूसरी शीट के ऊपर आपका डाटा आ चुका है। ये देखें, मैं इसे चेंज करता हूँ, इसे 100 करता हूँ और इसे 50 कर देता हूँ, या इसे 50 कर देता हूँ। अभी देखता हूँ कि उधर चेंज हुआ है या नहीं। ये देखें जी, 100 और 50। अभी मैं चेंज करता हूँ रफ़ीक की 40 और 40। अब जाके देखता हूँ रफ़ीक 40-40 पे, हाँ जी 40-40 पे। ये देखें ऑनलाइन अपडेट हो रहा है। 35 करता हूँ और इसे 60 कर देता हूँ। 35 और 60 हुआ कि नहीं, ये देखें 35 और 60 है ना, मज़े की ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।